बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आज मैं आपके साथ एक बहुत मेजर फैक्ट शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्पेशली जो लेडीज हैं वो जो सुन रही हैं, वो मेरे साथ इस बात पे अग्री भी करेंगी और नाराज भी होंगी कि हम पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हमारे पेट बहुत हल्के होते हैं और हम किसी भी बात को 2-3 घंटे से ज्यादा अपने पेट में नहीं रख सकते और हम आगे गॉसिप कर देते हैं। शायद ये बात एक जमाने में सच थी, लेकिन अब फैक्ट चेंज हो चुके हैं। उनकी तरफ तो मैं आऊंगी, लेकिन मुझे बहुत गिला है कि लोग अक्सर जब भी स्पेशली कोई जिस तरह कोई कजन वगैरह में बैठे हों, कोई बात होने लगे तो मुझे कहते थे, जुगन तुमने आगे बात नहीं करनी, हम तुम्हें बताने तो लगे लेकिन तुमने बताना नहीं आगे किसी को। सबसे पहले बात यह कि अगर आप चाहते हैं कि किसी और को बताना नहीं है तो फिर मुझे क्यों बता रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे बता ही दिया है और उससे बताने से पहले आपने एक डिस्क्लेमर पास करना है कि आपने आगे ये बात शेयर नहीं करनी, तो जब आप मुझे कह रहे हैं कि सीक्रेट है तो इतनी तो मुझे बात समझ ही जाएगी। वो जो 5 मिनट की तकरीर होती है ना पहले कि किसी को आगे बताना नहीं, उस पर मुझे बहुत गिला है और ये अक्सर होता है। और मैंने अक्सर खवातीन के साथ देखा है कि जब भी बात, मेरा भाई भी मुझे कोई बात बताने लगता है तो कहता है, जुगन मैं तुम्हें बताने लगा लेकिन तुमने आगे नहीं करनी। भाई मतलब अगर एक बात बता रहे हो कह दो कि ये सीक्रेट बात है। अच्छा, बात ये है, एक तकरीर होती है कि तुमने किसी को बताने नहीं थी, क्योंकि तुमने अगर बताया तो ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। अगर पता है कि इतना सब कुछ हो जाएगा तो रिस्क ना लो। लेकिन खैर, ये तो एक गिला है एज अ वुमन। लेकिन अब एक नया फैक्ट, नए स्टैटिस्टिक सामने आए हैं कि एक्चुअली मर्द हजरात के खवातीन से ज्यादा पेट हल्के होते हैं। और उसका वो फायदा कैसे उठाते हैं, मेरे ख्याल से मर्द हजरात को ज्यादा टाइम इसलिए लगता था क्योंकि वो सुबह काम पे जाते हैं, अगर उनको कोई बात पता भी चले तो उनको बताने तक शाम या अगला दिन हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फेसबुक आ गया है, ट्विटर आ गया है, मोबाइल्स आ गए हैं, व्हाट्सएप आ गया है, BBM आ गया है, ये वेरियस डिफरेंट तरीके आ गए हैं कम्युनिकेट करने के, तो मर्द हजरात ऐसे करके जो गॉसिप है या जो इस तरह की बातें होती है उनको आगे कर देते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि नहीं, ये सच नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो भी बात मैं आप लोगों के सामने करती हूँ वो मैं किसी न किसी रिसर्च के तहत करती हूँ और उसको पढ़ के आपको बताती हूँ। तो आज जो रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो फरवरी में एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई थी। इस रिसर्च के मुताबिक मौजूदा दौर के मर्द के लिए कोई भी बात छुपाना ज्यादा मुश्किल है, बल्कि अफवाह फैलाने के मामले में इन्होंने औरतों को पीछे छोड़ दिया है और वो ये काम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे आप अपनी कोई भी फीलिंग्स और कोई भी सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन राज की बात सोशल मीडिया पे बहुत ओपनली अब डिस्कस की जाती है। और इसको वक्त दिया गया है 3 घंटे का, यानी कि मर्द हजरात को जब कोई गॉसिप या कोई बात बताई जाती है तो विद इन 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर ये इसको फैला देते हैं। तो अब आपके सामने फैक्ट्स हैं। खवातीन पे आप जितने भी इल्जाम लगाना चाहें मर्द हजरात, आई एम सॉरी, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात, इस बात का मशवरा दिया है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कोई बात आगे स्प्रेड हो तो फिर उसको आगे किसी को बताए ना। और वैसे बात तो ये है कि आप जब किसी को राज बताते हैं उसको राजदार तो बना लेते हैं, जरूर उसको एक अमानत हैंड ओवर करते हैं, लेकिन जब आप किसी की बात कर रहे होते हैं एक्चुअली तो वो उसकी अमानत होती है। तो कोशिश यही करें कि जो इस तरह की सीक्रेट बातें हैं वो आगे ना करें, और स्पेशली वो बातें आगे ना करें जिनसे किसी को कोई नुकसान पड़ता है। जैसे कि अगर आपको पता है कि कोई ऐसी बात है जिससे किसी का घर खराब हो सकता है या किसी के घर में फसाद पड़ सकता है या किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो ऐसी बातों को आगे मत फैलाया करें। और दूसरी बात, कोई भी बात वेरीफाई किए बगैर, उसको चेक किए बगैर आगे ना किया करें। अक्सर ऐसी बातें लोग आगे फैला देते हैं जिनसे लोगों की जिंदगियों में बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। किसी की बीमारी के बारे में कोई बात कर देता है और बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो जो बात फैला दी जाती है उसकी वजह से जिस शख्स के बारे में बात होती है उसके लिए बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। तो अव्वल तो कोशिश करें कोई वाली नानों वाली बात के एक चुप 100 सुख, कोशिश करें कि ना ही गॉसिप करें। बहुत सी बातें हैं करने को, अपनी लाइफ की बातें करें, इधर उधर की बातें करें, पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस कर लें, एजुकेशन की बातें कर लें, लोगों की हेल्प करने की बात कर लें। जरूरी नहीं है कि दूसरे बंदे के बारे में गॉसिप करके और इधर उधर की बातें करके प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएं। और अब तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, मर्द हजरात पे अब इल्जाम ज्यादा लगाया जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग ज्यादा गॉसिप करते हैं, यानी कि मर्दों का पेट खवातीन से ज्यादा हल्का है। मैं बड़ी खुश हुई हूँ यह सुनकर, क्योंकि हम बेचारी औरतें हमेशा विक्टिमाइज हो जाती हैं इस बात पे कि भाई खवातीन जो है इनको कोई बात नहीं बतानी चाहिए, ये बहुत बातें करती हैं और गॉसिप करती हैं। मर्द हजरात सोशल मीडिया पे कर जाते हैं। 0429920068 पे आप कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे आप ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे आप फेसबुक पे ऐड कर
कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड पीटीवी सेंट्रल लाहौर पे आप खतूत भेज सकते हैं, और अगर आपने ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, हम अपने सोशल मीडिया पे गॉसिप तो नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा अपनी ही बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो हमें इश्यू नहीं है सबके जानने में। तो आप हमें डेफिनेटली हमारे सोशल मीडिया पे ऐड करें, फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें, उसको लाइक भी करें। कोशिश कर रहे हैं कि हम 100,000 लाइक्स की तरफ जाएं, तो उसके लिए हमें आपकी जरूरत चाहिए। तो डेफिनेटली हमारा फेसबुक का पेज भी ज्वाइन करें, हमारे सवाल का जवाब दें फेसबुक के ही पेज पे। दूसरों पर एतबार करना कितना जरूरी है, दूसरों पर एतबार करना कितना जरूरी है। मेरे ख्याल से दूसरों पर एतबार इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट और मदद तो जरूर करें, लेकिन इतना ज्यादा एतबार ना करें कि कल को आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। और आई थिंक सबसे बेहतर राजदार तो माँ या बाप ही होते हैं, क्योंकि अम्मी और अब्बू कभी भी आपकी बात आगे स्प्रेड नहीं करते। तो सबसे बेहतर और सबसे प्यारे राजदार तो हमारे पेरेंट्स होते हैं या औलाद होती है। कोशिश करें कि वो बात करें जो किसी के दिल को भी बुरी ना लगे, किसी से उस पर कोई नेगेटिव असर भी ना हो, और बहुत जी चाह रहा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स से बात कर लें। दूसरों की कोई गारंटी नहीं होती, तो दूसरों पर एतबार करना कितना जरूरी है, हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, और इसका जवाब आपने हमारे साथ शेयर करना है फेसबुक में। उसके बाद मुलाकात होगी शेफ मुनीरा से। हम अपना स्नैक्स वीक मना रहे हैं, अगर आपने आज ट्यून इन किया है, कल प्रोग्राम नहीं देखा तो जरूर देखना चाहिए था, लेकिन मैं फिर शेयर करती हूँ। स्नैक्स वीक में हम वो चीजें बना रहे हैं जो आपको डब्बों में मिलती हैं, जैसे कि आपने देखा है पैकेज डब्बों में आपको बर्गर मिल जाते हैं, बर्गर की जो पैटीज होती हैं, उसके अलावा आपको नगेट्स मिल जाते हैं, चिकन फिंगर्स मिल जाती हैं, फिश फिंगर्स मिल जाती हैं, वेरियस डिफरेंट चीजें मिलती हैं बाहर। जब आप दुकान में आउटडोर आपको शिवर में बड़े मजे के मिल जाते हैं, उसके अलावा रेडीमेड बर्गर्स भी मिल जाते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जरूरी नहीं है कि वो उस मयार और उस क्वालिटी के हों जिस किस्म का खाना आप अपने बच्चों को या फैमिली को खिलाना चाहते हैं, और वैसे भी ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। तो कोशिश करें कि घर पे ही स्नैक्स बनाएं और अच्छी क्वालिटी के बनाएं, और उनमें वो चीजें डाल दें जो नॉर्मली आपके बच्चे या घर वाले नहीं खा पाते क्योंकि वो बाहर से चीजें ले रहे होते हैं। तो हम आज स्नैक्स वीक का सेकंड डे बना रहे हैं, जानेंगे फ्रॉम शेफ मुनीरा के वो क्या बना रही हैं। उसके बाद मुलाकात होगी डॉक्टर साजिद मकबूल से। डॉक्टर साहब से आज हम डिस्कस करेंगे आंखों की प्रॉब्लम्स, यानी कि आई साइट के जो मसाइल हो जाते हैं बच्चों को यंग एज पे। कुछ बच्चे शायद पैदाइश में ही उनकी आई साइट में प्रॉब्लम होती है, कुछ को आगे जाके होती है, किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है, और अगर आंखों की प्रॉब्लम हो जाए और एनके पहननी हो तो फिर बच्चों को किस तरीके से कन्विंस भी किया जा सकता है, और एनके बेसिकली पहनने का फायदा क्या है, और सर्जरीज वगैरह जो कहते हैं कि आंखों की लेजर वेजर ये वो, तो क्या वो छोटे बच्चों के लिए वर्क करती हैं। ये सब बातें होंगी डॉक्टर साजिद मकबूल से। एंड देन फाइनली मुलाकात होगी मेरी बहुत ही प्यारी सहेली से, इन गपशप विद जुगन। बेसिकली हम आज उनसे बातचीत करेंगे मीडिया के बारे में, उनके करियर के बारे में। बहुत ही आला तरीन एक्ट्रेस हैं, एंकर भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, और उससे बढ़ के एक बहुत वेल नोन सोशल वर्कर हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम भी किया जिसमें वो लोगों की हेल्प करती थी। तो वो कौन है, उनसे मिलेंगे गपशप विद जुगन में, लेकिन अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। दूसरों पे एतबार करना कितना जरूरी है, एक बात जो मुझे मामा ने कही थी जब मैं बहुत छोटी थी, वो ये था जो अक्सर मैं सोचती हूँ जब मेरा बहुत दिल चाहता है कोई बात आगे करने का या अपनी कोई बात किसी से डिस्कस करने का, अगर मैं परेशान हूँ टेंशन हूँ, मामा ने हमेशा कहा था सबसे बेहतर राजदार अल्लाह मियां है। तो अगर बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, किसी चीज से डिस्टर्ब्ड हो, तो अल्लाह मियां से बात करो, नमाज पढ़ो, दुआ करो, तो उस वक्त अल्लाह मियां को से अपना राज और अपनी इश्यूज को डिस्कस करो, क्योंकि सबसे ज्यादा एतबार तो हम अपने क्रिएटर पे, अपने अल्लाह ताला पे करते हैं। तो वहीं पे अगर हम अपना सारा फेथ डालें तो बेहतर है। ऑफ कोर्स दूसरों पे एतबार करना जरूरी है, ट्रस्ट फैक्टर रखना जरूरी है, लेकिन हर बात दूसरों से डिस्कस करना मेरी नजर में जरूरी नहीं है। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका नजरिया क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। राणा सद्दाम अली ने लिखा है, अगर इंसान को कामयाब होना है तो दूसरों पर एतबार करना बहुत जरूरी है। आमिर खान दर्द ने लिखा है, एतबार और एतमाद ही तो दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को आपस में जोड़ती हैं और रिश्ता मजबूत होता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सफदर खान वट्टू ने ये लिखा है, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम, और आपको भी बहुत ज्यादा हैप्पी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। अच्छा, फैसल अमान ने लिखा है, जितना जिंदगी में खाना जरूरी है मेरी जान, थैंक यू फैसल। हमजा भट्टी ने लिखा है, आज कल कोई एतबार करने के लिए ही आप पे एतबार, हाँ आज कल कोई एतबार करने की लाइक है, आप ही एतबार तो बहुत
चीज है। अच्छा अच्छा, बेसिकली वो कह रहे हैं कि आजकल को एतबार करने के लायक है आपके ख्याल से? आप एतबार तो बहुत बड़ी चीज है, एतबार वैसे तो बहुत जरूरी है और एतबार हर किसी पे नहीं किया जाता, किसी पे किया जाता है। ये हमजा भट्टी ने लिखा है, जान रहमान ने लिखा है नाउडेज 0%। अच्छा सादत सईद ने लिखा है इम्पोर्टेंट मोर देन एनी थिंग। आप ही अभी मलिक ने लिखा है असलाम वालेकुम, आप ही आज कल तो आजकल दूर कोई जरूरी नहीं, आजकल के दौर में बिल्कुल जरूरी नहीं। अच्छा अमाद इस्लाम ने लिखा है 60%। हिना खान ने लिखा है गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो हिना। वलीद अजहर ने लिखा है एतबार लाजमी है किसी भी रिश्ते या ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए। सही। चौधरी असद अली लिखा है जितना अपने ऊपर, यानी कि दूसरों पर एतबार करना इतना जरूरी है जितना अपने ऊपर। थैंक यू चौधरी असद अली फॉर दैट। मोहम्मद अवैस चौधरी ने लिखा है सलाम टू ऑल, दिस इज द वे ऑफ लाइफ इफ ट्रस्ट इज फेथफुल। अच्छा मोहम्मद अवैस चौधरी, एतबार एतबार ही रहे तो जरूरी है। ठीक है। राशिद खान ने लिखा है सलाम टू ऑल, जितना जरूरी खुद को जीना है, खुद का जीना है उतना ही जरूरी दूसरों पर एतबार करना है, क्योंकि अगर अगर दूसरों पर एतबार नहीं होगा तो जितने जीते जी मर जाएगा इंसान। ओके राशिद खान। सताइश जान लिखा है डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। सताइश का ये कहना है कि अगर आप लोगों से उम्मीदें रखेंगे तो उम्मीदें रखने से आपका दिल टूटता है। चलें ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उमर अजीज लिखा है बहुत जरूरी है अगर आप रिलेशंस को कायम रखना चाहते हैं तो। सही। सबा गिल ने किसी पे एतबार तो नहीं करना चाहिए बस जिंदगी गुजारने के लिए किसी ना किसी पे तो एतबार करना पड़ता है। वैसे सबा आपने सही बात की है, इट्स अ डबल एज सॉर्ड। हमें कॉल आई है सानिया की। अस्सलाम वालेकुम सानिया। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। सानिया दूसरों पे एतबार करना कितना जरूरी है? आई थिंक करना चाहिए एतबार, लेकिन ये देखना चाहिए कि अगला धोखा ना दे। सही। तो कभी आपका एतबार टूटा? सानिया बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अभी आ रही है? जी बेटे बताएं। हाँ अभी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तो मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर का कमाल है, मैं तो सिर्फ एक पपेट हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रोजाना देखती हूँ और आप तो इसी तरह प्रोग्राम करती रहे, आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच सानिया, हमें दुआओं में याद रखा करें, हमारी पूरी टीम को जो सब लोग हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। थैंक यू सानिया। ओके खुरम काजम ने लिखा है जुगन आई लव यू, थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के प्यार के बेस पे ही तो हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। हिना आसिफ इश्नमा ने लिखा है इफ यू वांट टू बिल्ड अ रिलेशन देन यू हैव टू ट्रस्ट ईच अदर। बिल्कुल सही, वैसे रिश्ते बनते तो एतबार की ही बेस के ऊपर है, बहुत जरूरी है अगर आप रिलेशन को कायम रखना चाहते हैं। उमर अजीज ने लिखा है, अंजुम नईम ने लिखा है नहीं कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है जिन लोगों ने इस किस्म के मैसेजेस लिखे उनका एतबार टूटा बहुत जोर का है, लेकिन एतबार तो टूट जा, कभी कभी लोग आपको हर्ट करते भी हैं मगर बहुत से लोग नहीं भी करते। एक और चीज जो मुझे बचपन में मामा ही कहती थी कि अगर आप एक हाथ पे अपने बेस्ट फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, उन लोगों को जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं और मुश्किल के वक्त याद रख सकते हैं, यानी कि पांच भी लोग आपकी लाइफ में हो ऐसे, तो बहुत बड़ी बात है। हर इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं होता, लेकिन हमें अपने आप को जरूर अच्छे और पॉजिटिव तरीके से लाइफ में लेके चलना चाहिए। जी हाँ व्यूअर्स, तो जानते हैं शेफ मुनीरा से कि उनकी नजर में एतबार करना कितना जरूरी है एक दूसरे पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक मुनीरा, बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। दूसरों पे एतबार करना कितना जरूरी है? दूसरों पे एतबार करना मेरा ख्याल है उतना ही जरूरी है जैसे कि जिंदगी में अगर आपने सरवाइव करना है तो मेरा ख्याल है एतबार ही करना है। आप देखें कि बड़े बड़े जितनी भी हमारे ये लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो एतबार की बेस्ती करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान एतबार में हमेशा धोखा खा जाता है। लेकिन अगर एतबार के साथ थोड़े से आप अगर होशियारी से भी काम लें कि किन लोगों पर अपने एतबार करना है, इतनी आपकी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। आई थिंक आप जहाँ पे आपकी थोड़ी सी होशियारी होगी और वहां पे आपको कभी भी एतबार में कभी भी नहीं होगा, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि जिसमें आप एतबार में आपकी थोड़ी सी ट्रस्ट आपका थोड़ा सा लूज भी हो जाता है, तो फिर उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो अल्लाह की तरफ से होता है।
क्योंकि हम तो अपना दिल साफ करके लोगों से हर चीज शेयर करते हैं। अगर कुछ लिखा है तो मामले पे आई डोंट थिंक के मतलब में बात डाल सकते हैं। ये तो बात इंसान के ज़र्फ की होती है। कोई इंसान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे राजदार होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं होते। हम जब किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं ना। अल्लाह मियाँ पे हम एतबार करें और वो बात हमारी खुल जाए वो और बात है, लेकिन अगर हम खुद अपने मुंह से किसी और को बताएंगे तो वो बात फिर आपके अल्लाह मियाँ और उस बंदे के बीच में हो जाती है। अल्लाह मियाँ तो नहीं आगे बात करने वाले, बस वैसे ये कॉमन सी बात है जो कि मेरा ख्याल है कि हमें इसी को ज़हन में रखना चाहिए कि जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो वो कहते हैं व्हेन यू लुक अराउंड यू विल बी डिप्रेस्ड एंड इफ यू लुक डाउन, अगर आप अपने अल्लाह से बात करो तो यू विल बी ऑलवेज ब्लेस्ड। तो आई थिंक आप दाएं बाएं देखेंगे तो आप लोगों को देख के तो मेरा हाल दिल ही खराब होता है कि किससे बात करें क्या बात करें, क्योंकि अगले के दिल के पता तो चलता नहीं है। सही। तो अच्छा, लेट्स कम टू द रेसिपी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोगों ने वहां पर भी कमेंट किया, हमारे भी बहुत से, मगर क्योंकि आज दो दो रेसिपीज बन रही हैं। जी बिल्कुल, दो तो हमने सोचा कि वो स्नैक्स जो हमें बाहर मार्केट में तो मिलते हैं ओपनली और महंगे भी मिलते हैं, उनका मैार भी कोई खास नहीं होता, तो आज आपने क्या सिलेक्ट किया है? जुकन मैंने आज सिलेक्ट किया बर्गर्स, क्योंकि ये ऐसी हमारी हिट डिश है कि जो कि यंगस्टर में तो बहुत कॉमन है, एज वेल एज हमारे बच्चे भी इसको बहुत शौक से पसंद करते हैं। और ये एक ऐसा स्नैक है कि जिसको अपने टिफिन में हो, बॉक्स में हो, जर्नी में हो, कहीं भी हो, वो एट अ टाइम खाना भी खाए तो उसको जरूर खाना पसंद करते हैं। कौन से वाले बर्गर्स हैं ये मैं बना रही हूँ? बेसिकली तो इसको बीफ बर्गर नहीं कहते, ये कबाब के हैं, क्योंकि बीफ के तो एज इट कच्चा कीमा होता है, लेकिन मैंने कीमे को उसको बॉइल किया है, साथ में इसमें आलू उसमें मैश किए हैं, और बेसिकली कीमे के ही है बर्गर ये, जैसे बाजार में अंडा शामी के बर्गर मिलते हैं ये वो वाले हैं। अच्छा, विद फ्रेंच फ्राइज होंगे, विद कोल्सला होगा। इसका जो बनाने की जो बेसिक रेसिपी है जो हमें समझने थी वो बाहर वाला टेस्ट हमें घर नहीं मिल पाता, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि बाहर से चीजें कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जगह जगह जितनी आपकी इस तरह की चीजें आप मार्केट में अवेलेबल होंगी उतनी उसकी जो उसका जो होगा मियार वो उतना ही गिरता जाएगा। तो इसके लिए जो मैंने चीजें ली है कीमे के लिए, एक किलो आप कीमा ले लें अच्छा सा बगैर चर्बी के, उस पर मैं डालूंगी तकरीबन दो अदद आप बड़े साइज के आलू डाल दें कट करके, साथ में नमक डालेंगे, गरम मसाला साबुत इसमें डाल दें दो खाने के चम्मच, सूखा धड़ा मिर्च होनी चाहिए वो भी तकरीबन दो चम्मच, अदरक भी दो चम्मच, और साथ में सूखा धनिया एक चम्मच, हरी मिर्च भी दो चम्मच, जीरा एक चम्मच। ये सब चीजें आप पकने के लिए रख दें। जब कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा आप इसको चॉपर में ब्लेंड करके निकाल लेना, बिल्कुल ये देखें ऐसे होगा जैसे इसकी बहुत अच्छी टिक्की बन जाएगी। टिक्किया बना के आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, आप बाजार से बन लाए उसको करें। इसके साथ जो हमारी चीजें चाहिएगी वो हमने इसके साथ लिएंगी मेयोनीज ली है, साथ में केचप ली है, अगर आप चीज ऐड करना चाहते हैं तो चीज की भी फिलिंग कर सकते हैं, साथ में सैलड्स होंगे जितने भी आप उसकी फिलिंग करें आपका उतना ही अच्छा हैवी बर्गर बन जाए, क्योंकि ऐसी वैरायटी है कि अगर इसमें बीफ की एडिंग करें, चिकन की एडिंग करें, अगर दूसरी भी एडिंग कर दें तो आपका बर्गर की फिलिंग सेम होती है, सिर्फ आपकी पैटी का फर्क पड़ता है। सही, ठीक हो गया। और जो सेकंड मैं बना रही हूँ चिकन सुप्रीम, बाजार में आजकल आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांडेड चीजें मिलती हैं जो कि कांट अफोर्डेबल होती है, लेकिन आप उसको घर में लाकर रखें फ्रीज भी कर लें तो आई थिंक वो बड़ी इजीली बन जाती हैं। उसके लिए सिर्फ आपके चिकन के सीने के पीस लेने हैं, उसको मैंने बिल्कुल स्लाइस पे कट की है, ये देखें ठीक हो गया। इसको सोया सॉस लगाया, साथ में मैंने नमक लगाएंगे प्लीज यानी ताकि वो देख लें कितना आपने थिन किया उसको, ये देखें क्योंकि एक ब्रेस्ट में से तो तीन चार तो निकल ही आएंगे। जी सही, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा आपने वो भी किया है चॉप किया थोड़ा सा वो खूबसूरती के लिए, हाँ ठीक है। इसको हम जब कर देंगे इसको ला के इसमें कुछ भी नहीं करना, नमक लगाना है इसमें, हमने सोया सॉस लगाना है, काली मिर्च लगानी है, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो उसके लिए हम इसको मैदा यूज करेंगे। इसमें मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा अंडा लगाया ताकि अगर हम इसको बर्गर के साथ भी अगर फिलिंग करना चाहें तो इसकी बहुत अच्छी पैटी बन जाएगी चिकन बर्गर जी, लेकिन जब आपने फ्रीज करना है तो एज इट इज इसको ला के नमक सोया सॉस काली मिर्च लगा के आप इसकी फिलिंग आप इसकी कटिंग करके आप इसको फ्रीज कर लें, आप जब आपने यूज करना आप इसको निकाल के खाएं। तो वो क्या पड़े मेरे साथ में ये हाँ। ये क्रम्स है, ये मैं वेरिएशन साथ करूंगी कि इसकी कैसे बनती है। अब अच्छा इसी की जैसे आप बता रही थी अगर हम चिकन फिंगर्स या चिकन फ्राइज बनाना चाहे तो इनको पतला पतला इसको पतला के काट लें और इसके अंदर करके आप इसको यूं करके इसको फिलिंग करेंगे ना जब तो बिल्कुल आपकी फिंगर इसकी फिश की तरह इसकी पूरी लुक आएगी और आप इसको चिप्स के साथ बनाएंगे। देखिए चिप्स मैं आपको बताना चाहती कि कई मदर्स मुझसे पूछने की चिप्स हम लाते हैं काले बन जाते हैं सुबह कटते नहीं है ये होता है, मैंने कहा ये चिप्स मैंने रात के काटे हुए हैं
सिर्फ ये दिखाने के लिए कि काले नहीं होते हैं। इसको सिर्फ पानी में आपने ओवरनाइट रखना है, सुबह तक इसको आपने स्ट्रेनर में डाल देना है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है। और जब आपने यूज करना है, आप इसको पानी जितना इसका पानी खुश्क होगा, अगर कपड़े से भी खुश्क करके आप इसको फ्रीज कर लें तो ये आपका 3 से 4 मतलब दिन इजिली आपके इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब आप इसको यूज करने के लिए खोल लें दो पैकेट, तो फिर कोशिश करें कि आप उसको 1 या 2 दिन में खत्म कर दें, फिर इसको ज्यादा कंटिन्यू देर मत रखें। लेकिन ये बहुत ईजी चीजें टेक्निक्स हैं, अगर हम इसको घर में रखे करें तो कोई मुश्किल नहीं है। यही बंद गोभी है, इसको हम कट करेंगे, यही मेयोनेज़ जो बच जाएगी इसी का हम साथ कोल्सला बना लेंगे, साथ फ्रेंच फ्राइज देंगे, साथ वो बर्गर होगा। और बच्चों को एक जो मील बादाम हम लेकर आएंगे वो आप अगर घर में पूरा बनाएंगे तो आप सारी चीजें जी बहुत अच्छी आप चीजें आप बना सकते हैं और डिश आउट करके बच्चों को इजिली घर खिलाएं। और ये आपकी हाइजीनिक भी थोड़ी सी अच्छी चीजें रह जाएंगी। एक बार इंग्रेडिएंट्स रिपीट करते हैं फिर से। चिकन जी मुर्गी का मुर्गे के ब्रेस्ट का पीस ले लें तकरीबन 1 kg ले लें, साथ में सोया सॉस लें 1 आने का चम्मच, साथ में नमक लेंगे हंस पे जायका, साथ में काली मिर्च लेंगे हंस पे जरूर जितना आपको टेस्ट चाहिए, और मैदा भी जितनी आपने इसकी कोटिंग करनी है। मैदे की कोटिंग नहीं करनी तो आप क्रम्स की भी कर सकते हैं, अगर क्रम्स के साथ अगर अंडे के साथ करें तो अंडा एंड क्रम्स खाली डीप फ्राई में वो भी कर सकते हैं। सो वेरियस डिफरेंट ऑप्शन आपके। चलिए थैंक यू सो मच मुनीरा, आप अपने काम में बिजी हो जाए, आज काफी ज्यादा चीजें हैं जी बिल्कुल, और टाइम आई होप के हमारे पास इनफ हो। तो व्यूअर्स जाते जाते प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस लोन स्कीम का आपको फिर से बताना चाहूंगी। अपना बिजनेस करने की ख्वाहिश अपने दिलों में रखने वाले नौजवान, स्पेशली पढ़े लिखे नौजवान अपना बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यूथ प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने यूथ बिजनेस लोन स्कीम लॉन्च कर दी है। इससे लाखों नौजवान और हर नौजवान फायदा उठा सकता है। एक नौजवान जो है वो 20 लाख तक का लोन हासिल कर सकता है, उम्र 21 से 45 होनी चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन हर नौजवान इसका बेनिफिट ले सकता है। आप अपना आगे बिजनेस प्लान आगे करें, हो सकता है अप्रूव हो जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने 100 अरब की जो रकम है इसके लिए अलहदा की है, उसके अलावा जो स्कीम है उसके लिए 50% कोटा खवातीन के लिए, 50% लड़कियों के लिए, 4% मजदूरों के लिए और 5% जो है वशोदा की फैमिलीज के लिए रखा गया है। वापसी की मुद्दत 7 साल है। पहले मरहले में नेशनल बैंक और फर्स्ट वुमेन्स बैंक से आप राब्ता कर सकते हैं। बैंक्स को स्पेशल ऑर्डर जारी किया गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपके लोन को अंडर प्रोसेस कर दें। इस लोन के लिए लाजमी नहीं है कि आप बेरोजगार हो, अगर आपके पास जॉब भी है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की खास बात इसकी शफाफियत और मेरिट है, सूबों के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं है, ये आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है ताकि आप अपनी लाइफ में किक स्टार्ट ले सकें। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है लेकिन पैसे नहीं है तो इस लोन के बेस पे आप अपनी चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अब करने वाले बनना चाहिए इंसान को। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साजिद मुंबूल से बात करेंगे आंखों की प्रॉब्लम की, जो आई साइट की प्रॉब्लम होते हैं बच्चों की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, डॉक्टर साजिद मकबूल हमारे साथ हैं और आज हम उनसे जानेंगे आंखों के मसाइल के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों की छोटी सी एज में आईसाइट खराब हो जाती है या आंखों के उनको प्रॉब्लम्स होते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम उनके साथ कैसे डील करें। और जिस वक्त तक वो प्रॉपरली डायग्नोज होती हैं और हम बड़े हो जाते हैं और खुद उनका ख्याल कर सकते हैं, कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है, डैमेज ज्यादा हो चुका होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आईसाइट एक ऐसा टॉपिक जो हमने टच पॉइंट कभी किया नहीं, क्योंकि आई थिंक वही वाली बात है जिस तरह पेरेंट्स भी अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तो हम लोगों ने भी बड़े अरसे से इसको टच पॉइंट नहीं किया था। तो आंखों के कॉमन मसाइल कौन से होते हैं जी? बच्चों में सबसे कॉमन तो हमें मालूम ही है बिनाई का होता है, यानी बच्चों की विजन या साइट जिसको कहते हैं उसके बारे में होता है। उसके अलावा बच्चों में भेंगापन जिसको स्क्विंट कहते हैं वो भी काफी कॉमनली देखा जाता है। कुछ ऐसा होता है जो जिसका इलाज करना होता है, जो कुछ ऐसे होता है जिसका कोई इलाज जरूरत नहीं होती। और तीसरी मेरा ख्याल है जो बहुत अहम है वो ये है इन्फेक्शंस, जरासीम वगैरह, जो आईज की इन्फेक्शन, आप आंखों की इन्फेक्शन वगैरह सुनते रहते हैं। और बहुत कम ऐसी होती हैं चीजें जिस तरह खुदा न खास्ता ये आंखों के ट्यूमर वगैरह जो हैं ये बहुत कम होते हैं खुशकिस्मती से। सो ये 3-4 चीजें जो हैं ये बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे तो बिनाई के बगैर पैदा होते हैं, ये भी तो एक बड़ा। जी हाँ, वो खुशकिस्मती से बहुत कम ऐसे होते हैं जो बिनाई के बगैर पैदा हों, और उसमें भी ज्यादा असर ज्यादा वजह ये होती है कि जो दिमाग है, आपको मालूम है कि जो बिनाई है हमारी जो आंखें हैं वो तो एक आला है, यानी जिस तरह कैमरे की आंख है, मगर जो उसके जो 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 बनती है पिक्चर वो तो दिमाग
के अंदर बनती है ना, तो अगर दिमाग काम ना करे किसी वजह से, या दिमाग के ऊपर असर हो जाए पैदाइशी तौर पे, या ऑक्सीजन की कमी से, या अगर माँ की गिजा में कोई डिफिशेंसी रह गई हो, तो उसका जो असर है वो पैदाइश पे भी हो सकता है। मगर जैसे मैंने कहा, खुशकिस्मती से बहुत कम ऐसा होता है कि पैदाइश पर ही बच्चे को नजर ना आए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं, किस उम्र में कौन सी प्रॉब्लम होने का ज्यादा खदशा होता है? जी, पहले साल में तो बिनाई का ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की, आप ये समझ लें कि उसकी बिनाई इतनी होती है कि अगर माँ उसको अपनी गोद में रखे तो उसके चेहरे तक उसको नजर आता है। और सबसे पहली जो पहचान होती है बच्चे की, वो अपने माँ का चेहरा होता है। एक ये कि वो बच्चा उसको देख के और मानूस हो जाता है पैदाइश पे ही, और दो महीने में उससे ज्यादा, और तीन चार महीने में तो बिल्कुल अच्छी तरह मानूस हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो बिनाई है वो बेहतर होती जाती है। यानी पहले वो 6-8 इंच के करीब देख सकता है पैदाइश पे, और कुछ कुछ पहचानता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये। तो बच्चा 20-20 विजन के साथ नहीं पैदा होता? जी नहीं, 20/800 पैदा होता है। या अल्लाह। जी, मगर निजाम ऐसा है कि अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो जितना फासला है चेहरे का वो पहचान लेता है। और दूसरी बात यह कि शुरू शुरू में जो चीजें हिलती हो उनकी तरफ तवज्जो ज्यादा देता है बच्चा। अच्छा। मगर ये फिर इस वक्त माँ बाप की बहुत ये अहम रोल है, उनको मालूम होना चाहिए कि बच्चे को, अगर उन्हें मालूम हो कि बच्चा 2 महीने तक चीजों को देखता है, इधर उधर फॉलो करता है, 4 महीने तक उसकी और बिनाई बेहतर हो जाती है, और 6 महीने तक तकरीबन काफी हद तक उसकी बिनाई बिल्कुल बड़ों जैसी तो नहीं होती, मगर 6 महीने और साल में तकरीबन बिल्कुल नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं वो विजन हो सकती है। तो उससे पहले भी उसमें माँ बाप को मुशाहिदा करना चाहिए कि बच्चा मसलन आप कोई चीज दिखा रहे हैं उस तरफ देख नहीं रहा, या रोशनी है एक तरफ और उस तरफ नहीं देख रहा, और या कोई चीज आप खिलौना दिखा रहे हैं और देख दूसरी तरफ रहा है, एक ये इसे मालूम हो सकता है कि बच्चे की बिनाई में कोई मसला है। लेकिन इसमें कान का भी तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, कि सुनाई नहीं देता? जी, सुनाई का भी अमल होता है, मगर मैं ये बता रहा हूँ ना कि आप कोई चीज उसके सामने रखें। अच्छा, बिल्कुल सामने रखें और वो जी, ना सामने रखें, और खासतौर पर रंग बिरंगी हो या कोई हिलती हुई चीज हो तो उससे मालूम होता है। तो ऐसे रंग जिनसे बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो? जी, शुरू में तो वो लाइनों से ज्यादा होते हैं और फिर रंगों से। अच्छा। तो इंटरेस्टिंगली काली लाइन जो है वो पहले और उसके बाद रंग। तो मगर चेहरे पहचानना जो है ना, ये कुछ अल्लाह ताला ने ऐसा सिलसिला बनाया हुआ है कि चेहरे बहुत जल्दी उससे मानूस होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि माँ से बहुत ज्यादा मानूस होते हैं, एक माँ की आवाज से, और एक हमने पहले भी तस्करा किया था जो माँ उठाती है उससे, और उसकी जो खुशबू होती है माँ की अपनी, मगर चेहरे से भी बहुत मानूस हो जाए। डॉक्टर साहब, क्या इसका ये, अच्छा, और यहाँ पे एक जरा दूसरी तरफ मैं जाना चाहूंगी कि क्या इसका ये मतलब नहीं है कि फिर बच्चों को बाप से भी को भी ज्यादा गोद में उठाना चाहिए, क्योंकि बाप जो है वो शुरू शुरू में पहले 2-3 महीने कुछ समझ भी उनको आ रहा होता है कि वो क्या करें, अनकंफर्टेबल होते हैं, तो इसका तो इससे तो मुझे ये समझ आ रही है कि फिर बाप को भी उसी तरह उतना ही बच्चे को गोद में उठाना चाहिए जितना माँ उठाती है, उतना ही लाड प्यार। बिल्कुल, इसी वजह से माँ को ज्यादा पहचानते हैं, क्योंकि वो उसको देखते बहुत ज्यादा है। माँ तो देखिए ना, दूध भी पिलाती है, ख्याल भी करती है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि बाप के चेहरे से मानूस नहीं होंगे, माँ के बाद प्रोबेबली बाप के चेहरे से, या अगर कोई बहन भाई है जो बहुत ज्यादा उसके पास होता है तो उससे फिर मानूस हो जाते हैं शुरू में। आप देखेंगे कि बच्चे दूसरे जो उसका भाई या बहन होगा उसको देख के एकदम से खिलखिला के हंसते हैं और खुश होते हैं, और अगर कोई वैसे हो तो शायद वो इतने परेशान खुश ना हो जाते हैं। शायद इतने खुश ना हो। नहीं, परेशानी तो कोई 9 महीने पे शुरू होती है। अच्छा। उससे पहले तो वो हर एक से खुश रहते हैं। चले, 9 महीने तक तो आप गुड बुक्स में किसी भी घर के बच्चे के साथ। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये बिनाई का है, बिनाई का है। और फिर ये है भेंगापन, जिसको हम कहते हैं, जिसको स्क्विंट कहते हैं। हाँ, ये एक ये भी परेशान वाली परेशानी वाली बात होती है। हाँ, बच्चों में होता है। उसका ये उसका बेसिकली मकसद ये है, उसका मतलब ये है कि जब आप देखते हैं तो हम जब नॉर्मली देखते हैं तो दोनों आंखें एक बिल्कुल पैरेलल होती हैं, एक ऐसे करके हम देख रहे होते हैं। जी हाँ, मगर अगर एक आंख इस तरफ जा रही है बाहर की तरफ, या एक आंख अंदर की तरफ जा रही है,
तो उसको फिर हम भेंगापन कहते हैं ना, तो उसका उसमें ये देखते हैं कि उसमें थोड़ी देर के लिए है, आरजी है, या ये कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हर वक्त उसकी आंख वैसे रहती है। अगर आरजी है तो फिर आप खुद भी देखिए कि अगर आप किसी चीज को बड़े गौर से देख रहे हो और पास, जिस तरह अपनी उंगली को भी आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा तो पास ला के देखें और तो आपकी आंखें ऐसे लगती हैं जिस तरह वो टेढ़ी हो गई हैं, मगर वो नॉर्मल है, बच्चा भी कोशिश करता रहता है। मगर अगर हर वक्त एक आंख या अंदर रहे, अंदर की तरफ चली जाए नाक की तरफ, या बाहर कान की तरफ, तो फिर उसको हम कहते हैं कि उसका भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि शायद उसको नजर भी ना आता हो ठीक, उसकी बिनाई ठीक। लेकिन डॉक्टर साहब, अब इसका हल क्या है? जी वो मैंने बताया ना कि ये मसल्स की इनकोऑर्डिनेशन का होता है मसला, तो उसमें कभी कोई एक्सरसाइजेस होती हैं और कभी कभार आप हैरान होंगी कुछ ऐनक भी लगा दी जाती है छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो ना कभी कभी, मैंने एक बार सुना था, मेरी खाला गई थी रिश्ता देखने के लिए एक लड़की का, और मुझे आज भी बात याद है, कहते हैं लड़की तो बड़ी प्यारी है लेकिन भेंगी है। तब मैं कंफ्यूज में कि भेंग व्हाट इज भेंगा, मैं 8-9 साल की थी, मैं भेंगा भेंगा क्या होता है, और तब का मैंने वर्ड सुना। बात यह कि मतलब वो होता ना कि कोई बहुत भी अट्रैक्टिव हो लेकिन अगर आंख जरा सी इस तरह तो जरा सा वो अजीब सा लगता है, और देखने वाला भी ज्यादा एक्स्ट्रा घूर रहा होता है, जबकि बदतमीजी है, नहीं घूरना चाहिए, नहीं इस तरह करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर लेटर ऑन इन लाइफ फॉर एग्जांपल 15-16 साल या 12 साल के बच्चे को हम पेरेंट्स परेशान हो कि जी बच्चा महंगा है, उस पर भी हल निकल सकता है? जी हाँ, उसमें ये होता है कि जो उनके मुआलिज है वो तो पहले देखते हैं ना, फिर उसके बाद उनको आई स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। उसमें देखना ये होता है कि कई मरतबा अगर उस भेंगेपन को बहुत ज्यादा देर तक रहने दिया जाए तो आंखों को आदत हो जाती है उस तरह देखने की जिस तरह उसकी आंखें हैं, तो फिर उसको ठीक करने से कई मरतबा मसला भी हो सकता है। मगर इन प्रिंसिपल उसूलन आपको चाहिए कि उसका भेंगापन जो है उसका इलाज करा देना चाहिए। उसमें आमतौर पे एनक से गुजारा नहीं होता बड़े बड़े बच्चों में, और उसको आमतौर पे उसका उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि एक और एरिया रह गया कवर करने का कि आंखों के कॉमन मसाइल में। उसके अलावा फिर कितना रूटीनली चेकअप कराना चाहिए, कौन आपको बताता है, कि आपके पीडियाट्रिशियन आपको बताएंगे कि बच्चे को डॉक्टर के आई डॉक्टर के पास लेके जाना है या खुद ही ले जाना चाहिए? जैसे कि जब हमने डेंटिस्ट के साथ प्रोग्राम किया था तो डॉक्टर साहब आपने यही कहा था कि जब दांत निकलने शुरू हो, दूध के दांत निकल आए तो बच्चे को ले जाना चाहिए, या जब और उन्होंने कहा था पहला दांत निकले तो ले, तो ये तो डिबेटेबल बातें होती है, बट एज अ पीडियाट्रिशियन आपकी क्या रिकमेंडेशंस है, आंखों को बेहतर करने का क्या तरीका है? बादाम शदाम ये सब चीजें कही जाती हैं, किस हद तक ये जरूरी है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात हो रही है आंखों के मसाइल की, जो आईज की प्रॉब्लम्स होती हैं। बिनाई हम हमेशा सोचते हैं कि सबसे कॉमन है, लेकिन और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो बच्चों की आईज के साथ होती है। तो अब हमने डिस्कस करना है इन्फेक्शन। डॉक्टर जी, जरासीम जी, आंखों के तो वो कैसे होता है और किस एज जी? आंखों की इन्फेक्शन किसी वक्त भी हो सकती है, पैदाइश से लेके और किसी भी उम्र में। क्योंकि मैंने एक दो दफा देखा ऐसे बच्चे जो पैदा हुए और उनकी आंख में ना पूरा व्हाइट यहाँ पे सारा हुआ हुआ था आई लिड के ऊपर, तो वो कहती बच्चे को इन्फेक्शन हुई है पैदाइश पे। जी, इन्फेक्शन भी होती है, सही है, इन्फेक्शन किसी उम्र पे भी हो जाती है, आमतौर पे एक से दूसरे को लगती है। अच्छा, एक से दूसरे को कैसे लगती है कि हाथ कोई जिसको खुद इन्फेक्शन हो, जिस तरह हमने जुकाम की बात की थी कि एक से दूसरे को लग जाती है, तो हाथ से आंख को मला हाथ से, और फिर वही हाथ जो है इस्तेमाल कर लिए, बच्चे को टच कर दिया, या तौलिया हुआ या रुमाल हुआ या टिश्यू हुआ एक दूसरे से इस्तेमाल कर दिया, तो आंखों की इन्फेक्शन आपको मालूम है बहुत फैल जाती है। सही। बड़े बच्चों को भी और छोटों को भी। जो बिल्कुल छोटे बच्चों की आप बात कर रही हैं ना, जो बिल्कुल नौजायदा होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उनमें कई मरतबा एक हमारी डक्ट होती है, टियर डक्ट उसको कहते हैं, जिससे आंसुओं की एक हुदूद होती है, उसमें से आंसू निकलते हैं, और आंसू निकल के फिर एक ट्यूब के जरिए आंखों से नाक के तरफ जाते हैं।
तो वो कभी कभार बंद हो जाए तो फिर आंखों में से हर वक्त पानी निकलता रहता है, और कभी कभार वो पानी बजाय पानी होने के जरा सा गाढ़ा भी हो जाता है, और फिर आंखें वो और चीज होती है, उसको टियर डक्ट कहते हैं, वो खुद ही खुल जाता है, उसमें कोई इलाज की जरूरत नहीं होती। जो इन्फेक्शन होती है उसमें हमें दवाई देनी पड़ती है। तो दो किस्म की इन्फेक्शन है, एक तो आपने ये जो बहुत कॉमन सुना होगा आशोभ्य चश्म जिसको कहते हैं, जो ये हो जाता है जिसमें वायरस होता है आंखों में, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आप धूप में। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, आप हमजा इज अंडर योर केयर, तो बहुत सी चीजें अल्लाह का शुक्र है जो बड़ी कॉमन होती है वो नहीं हुई ना। नहीं हुई ना तो अच्छी बात, क्योंकि आप पहले ही कह रहे थे। इसे एक बात है डॉक्टर साहब, इसका मैं आपको बहुत क्रेडिट दूंगी कि आप एडवाइस जो हर वक्त देते रहते हैं, जब आपके इनके पास कोई पेशेंट आता भी है, पेरेंट्स आते हैं, तो साथ में जो दो तीन बातें, जिस तरह आपने मुझे कहा था कि जब हमजा स्विमिंग करे, आई रिमेम्बर बहुत पहले आपने कहा था, तो आपने कहा था कि स्विमिंग करने के बाद एक तो फौरन नहलाना है, ये नहीं कि इंतजार करना है कि घर जाएंगे तो फिर करेंगे, क्योंकि वो क्लोरीन वगैरह सारा पानी वो साफ नहीं होता, और मुंह को अच्छी तरह और आंखों में भी छट्टे प्रॉपर तरीके से मुंह धोना है, क्योंकि अक्सर आई इन्फेक्शन मतलब स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं। अब ये बातें जो है घर पे भी नहीं, पेरेंट्स भी नहीं बताते अक्सर आपको, तो आई थिंक इफ यू लिसन टू योर पीडियाट्रिशियन तो बहुत ही अच्छा। तो ये क्या है आशोभ्य फवारा? नहीं, आशोभ्य चश्म, चश्म इज द वर्ड फॉर आई ना। अच्छा। आंख को आप जरा ज्यादा रोमांटिक लव से आंख की बजाय चश्म आपको तो मालूम होना चाहिए। तो नहीं, वो आंखों की सुर्खी होती है, आंखों की जो झिल्ली होती है उसकी सुर्खी होती है, और उसमें फिर धूप नहीं सह सकता, बर्दाश्त नहीं हो सकती, आंखों में से पानी आता है और आंखें सुर्ख हो जाती हैं, और हो सकता है बच्चे को बुखार भी हो, और एक से दूसरे को लगती है, ये वायरस होता है, तो इसलिए उसमें कोई खास इलाज तो नहीं है, बस पानी से साफ रखना और इस चीज का एहतियात करनी कि तौलिया शेयर ना करें, रुमाल ना शेयर करें, टिश्यू एक दूसरे के ना करें, हाथ धोते रहें। जो दूसरी इन्फेक्शन होती है वो बैक्टीरियल होती है, यानी बैक्टीरिया। स्टाय क्या होती है? स्टाय भी आंखों की ये जो हमारी लैशेज होती है ना, उसकी पलकें जो होती हैं, उसके जो बिल्कुल रूट होता है उसके अंदर जरासीम बैठ जाते हैं। क्योंकि मुझे सात निकली थी डॉक्टर साहब। जी हाँ, एक मरतबा निकल आए तो बार बार निकलती हैं, और कुछ बच्चों को और बड़ों को बार बार होती हैं। उसका इलाज जरा लंबा होता है, और वो उसमें ऑइंटमेंट डालते हैं आंख में, और बहुत देर तक डालनी पड़ती है। गलती ये होती है कि बहुत से लोग उसको ऊपर से इलाज करने की कोशिश करते हैं, हालांकि अंदर से इलाज करना होता है, आंख के जो अंदर दवाई डालनी होती है ताकि वो अंदर से उसको ठीक हो। कभी कभार अगर बहुत ज्यादा हो तो माइनर सी सर्जरी भी करनी पड़ती है, मगर बहुत कम। तो आंखों की इन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉमन है, उसकी एहतियात करनी चाहिए। वही एहतियात की बात है, हम हमेशा सिगरेट से मना करते हैं, अब सिगरेट का धुआं आंखों में पड़े वो भी ठीक नहीं है, गर्द हो तो भी ठीक नहीं है, गंदगी है जिस तरह कोई गंदा पानी उससे आप मुंह धो लें वो भी ठीक नहीं है, गंदे हाथ हों और उसको मल लें, या कोई ऐसी हाथ मट्टी वाले। हाथ धोने पे तो बाकायदा आपने और मैंने प्रोग्राम किया कि हाथों को साफ रखना बच्चों के कितना जरूरी है, क्योंकि वो मुंह में भी डालते हैं, और जरूरी नहीं है कि अगर वो आपके बच्चे को आदत नहीं है मुंह में हाथ डालने की तो वो आंखों में, बच्चे तो नेचुरली ऐसे करके अपनी आंखें मलते रहते हैं, नींद आए वैसे ही कोई आंख में बात चीज पड़ जाए, बड़ों को भी बल्कि हाथ साफ रखने चाहिए अपने। जी हाँ, तो आंखों की इन्फेक्शन काफी हो जाती है, मगर उसका इलाज है, और उसके लिए हमें ड्रॉप्स या वो देने पड़ते हैं, दवाई देनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना रेगुलरली आंखों का चेकअप कराना चाहिए, और ये कौन बताता है मतलब? जी देखिए, शुरू में तो मुशायदा तो माँ बाप करते हैं, मैं समझता हूँ जो बहुत अच्छे वालदेन होते हैं वो फौरन देख लेते हैं कि बच्चे को कोई मसला है या नहीं, मगर पीडियाट्रिशियन को करना चाहिए। वो ये है कि जब मुआयना करता है एक बच्चों का स्पेशलिस्ट, तो वो पूरा सर से लेकर पांव तक मुआयना करता है, उसमें आंखें कान वगैरह सब शामिल होते हैं, और आंखों में वही देखते हैं कि बच्चा देखने की सलाहियत रखता है या नहीं, उसमें भेंगापन तो नहीं है, इधर उधर फॉलो करता है चीजों को। और मैंने तो अपने क्लिनिक में एक वो हैंगिंग टॉय भी आपने शायद देखा होगा छोटे बच्चों के लिए लगाया हुआ है, वो उसका एक मकसद भी ये भी है कि मैं देख लेता हूँ कि बच्चा उसको देख रहा है, उसको हम हिलाते हैं तो उसको फॉलो करता ही नहीं, वो आंखों के लिए है और उससे हमें अंदाजा हो जाता है। सो सबसे पहले तो डॉक्टर जो है, जो मुआलिज है, पीडियाट्रिशियन है या जनरल फिजिशियन है, उनके वो देखते हैं, और अगर वो समझें कि उसमें कोई मसला है तो फिर आंखों के स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आंखों की बीमारियों को देखें, हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी, और ये तो आपका स्लोगन है बाकायदा कि भाई जिन चीजों को अवॉइड किया, तो इसमें हिफाजती टीकों का कितना अमल दखल है डॉक्टर साहब, और मतलब जस्ट सो वी नो कि कोई ऐसे हिफाजती टीके हैं जो आंखों के लिए, और दूसरी बात किन चीजों का ध्यान रखें, कौन सी चीजें बच्चों को जरूर खिलाएं, और बादाम कहते हैं जरूर खिलाएं, कलमंद होता है बच्चा, आंखें अच्छी हो जाती हैं, तो आप इसमें हमें क्या कहेंगे? जी हां, नहीं बादाम आपने सही कहा, एक्चुअली बादाम की भी अफादियत है आंखों के लिए, और सबसे ज्यादा जो फायदा है वो गिजा से है, टीके भी का कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा। मगर गिजा से है, फल और सब्जी ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत विटामिन्स और खासतौर पे विटामिन ई की बहुत अहमियत है, विटामिन ए की अहमियत है, ए डी ई एन जी हाँ। तो ये आप सही कह रही है, मगर आपको इसका मतलब ये है कि देखिये आजकल माल्टे और किन्नू है हमारे पास, तो वो बच्चों को वो देना चाहिए, उसका जूस देना चाहिए, फल और सब्जी देनी चाहिए। अब हमारे बच्चों में सब्जी का कॉन्सेप्ट, बहुत से बच्चों में सिर्फ आलू होता है या मटर होते हैं, तो ये नहीं है, और भी हैं, गाजरे हैं और टींडे हैं, नहीं टींडे तो बच्चे बहुत कम खाते हैं। हमजा की फेवरेट डिश थी बचपन में, जो कहता है हमजा आपकी फेवरेट डिश क्या, मामा टींडा गोल्ड उधर है अभी बेचारा मेरा टींडा सा छोटा सा मेरा गुगलू। लेकिन डॉक्टर साहब वैसे इधर गलती माँ बाप की होती है, बच्चे इसलिए टींडे नहीं खाते क्योंकि उनको बचपन में खिलाए नहीं जाते। अगर आप बचपन में जब गाजर मैश करके खिला रहे हैं, आलू मैश करके खिला रहे हैं और मटर मैश कर रहे हैं, तो आप अगर टींडे भी मैश करके खिला दें उसकी टेस्ट बन जाएगा बच्चे जी। बिल्कुल सही है, जो आदत आप डालते हैं शुरू से, खैर वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं गिजा के बारे में, फिर भी कर लेंगे, मगर ये सही बात है कि गिजा जो बैलेंस्ड है, और उसमें ये भी सही है जो आप बादाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि बादाम में भी ऐसे अज्जा होते हैं जो उसके लिए आंखों के लिए ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम खत्म हो गया, जल्दी से एक बात, माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को ऐनक इसलिए नहीं पहनाते कि अगर अभी ऐनक पहना दे तो सारी जिंदगी पहनेंगे, बच्चे स्कूल में मजाक उड़ाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर तो किसी खास वजह से ऐनक लगाई गई है, मसलन कई मतलब ऐसा होता है कि एक बच्चा उसकी देखने की सलाहियत में कोई दुश्वारी होती है, प्रॉब्लम होता है, उसके लिए अगर आंखों को ऐनक लगाई जाए, या कुछ ऐसे भेंगापन भी होता है जिसको ठीक करने के लिए आंखों को ऐनक की जरूरत होती है, तो वो उसका फायदा होता है, उसका फायदा ही होता है। हालांकि छोटे बच्चों में जरा मुश्किल होता है, और उनको यहां से पीछे से बाकायदा उसको बैंड सा लगा के उसको ऐसे करना पड़ता है, बच्चे फिर भी उतार देते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं लगता, मगर उसका फायदा ये होता है कि बाद में उनको ऐनक नहीं पहननी पड़ती, बाद में नहीं पहननी पड़ती। अगर उस वक्त तो लगा लें तो आंखों का जो जो प्रॉब्लम है और जो उसको तकलीफ है वो ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती। तो अगर कोई डॉक्टर कहे तो लगाए और उसका फायदा होता है, शौकिया ना लगाएं, शौकिया तो बच्चे नहीं लगाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे कैंसर को। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कैंसर बच्चे, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे बच्चों को कैंसर हो जाता है और फिर समझ नहीं आती, या फिर बहुत लेट डायग्नोज होता है क्योंकि आप इधर उधर की दूसरी बीमारियां ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग में ये बात नहीं बैठती कि इस किस्म की जो नॉलेज है उससे हमारा बच्चा सफर कर सकता है। अल्लाह ना करे कि किसी के भी बच्चे को इस बीमारी से गुजरना पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बच्चों में कैंसर अक्सर जो है वो क्योर हो जाता है, क्योरेबल है। तो जरूर हमारा नेक्स्ट वीक का भी आपने डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम देखना है, क्योंकि हम कैंसर को कवर करेंगे। आपके भी कोई सवाल आते हैं अभी से भेज दें, उस दिन लाइव कॉल कीजिएगा नेक्स्ट ट्यूजडे, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पढ़ना नहीं है आपको पढ़ता, क्योंकि आप उनको इतनी अच्छी तरह से जानते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आप उनको इंट्रोड्यूस कैसे करें, इसलिए क्योंकि जब आप किसी को स्पेशली मीडिया में बड़ी अच्छी तरह जान जाएं और वो आपकी दोस्त बन जाएं, तो फिर आप उनके बहुत से डिफरेंट पहलू अंडरस्टैंड कर जाते हैं। और एक बात तो जो आज मेरे साथ हमारी मेहमान है, हमारी बहुत बड़ी स्टार सेलिब्रिटी है, बहुत 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 अच्छा इंसान है, सबसे पहले तो बहुत अच्छा इंसान है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, सोशल वर्क करती हैं, बल्कि जब मीडिया में भी काम कर रही हो तो उसमें भी कोई सोशल वर्क का एस्पेक्ट ले आती हैं,
उसके अलावा ऑफ कोर्स शी इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टर, शी इज अ ब्रिलियंट टेलीविजन एंकर, शी इज अ मॉडल एंड ऑफ कोर्स स्टार्ट किया अपना इन्होंने करियर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से ही एज अ सिंगर। सुना है कि कुछ और भी बिजनेस वेंचर्स किए हैं, छोटी स्क्रीन से अब बड़ी स्क्रीन पे भी आ गई हैं, फिल्मों में भी काम, तो मतलब जी हाँ बनाना मकसूद की बात करी, मुझे ऐसे करके सब देख रहे किसकी बात करी आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मैं स्पीचलेस हो गई कि इतनी तारीफ में जुगन जुगन जैसी बंदी और जुगन जैसी बंदी खुद जो इतनी टैलेंटेड है, इतनी माशाल्लाह, इतनी खुश है हर अपने काम में, इतनी स्टैब्लिश है, इतनी लेकिन बनाना आपकी तरह मैं हर काम नहीं कर सकती। माशाल्लाह से यू स्टार्टेड एज अ सिंगर, यू एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ एज एन एक्टर, यू आर अ ग्रेट मॉडल एंड देन यू आर ऑल्सो ब्रिलियंट टेलीविजन एंकर, और आपके अंदर जेन्युइनली आप इंसान दोस्त हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। आपने तो अपने प्रोग्राम्स तक में आड़े डालने शुरू कर दिए कि नहीं करूंगी तो साथ में मैं ये भी करूंगी क्योंकि मैंने वापस भी करना है लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म से। तो ये तो क्योंकि मैं आपके मुंह से बातें प्राइवेटली सुन चुकी हूँ, सॉरी मैंने ऑन एयर सब कुछ कह दिया। अच्छा सबसे पहले तो एक बात जल्दी से करना चाहूंगी, बहुत मुबारक फीचर फिल्म की। मैं हूं शाहिद अफरीदी और जब लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहा था मैं कंसिडर करूंगी जरूर फिल्म अगर अच्छा रोल मिले तो। बिल्कुल। तो क्योंकि एक जरा सी बात भी ऑन एयर है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की पिछड़ी होम पे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं फिर उसके बाद हम फिल्म की तरफ आते हैं। एक जरा सी बात, पीटीवी पे तो मैं मशहूर हूँ ना कि रोना धोना अगर कोई चल रहा है तो उसमें फरहाना मकसूद जरूर होगी। तो जब मैं कहीं आम उसमें जाती हूँ तो मुझे औरतें कहती हैं आप तो हर वक्त हंसती रहती हैं, ड्रामा में इतना क्यों रोती हैं? मैंने कहा इसलिए मैं हंसती रहती हूँ, मैं बताऊँ कि मैं बिल्कुल रोती धोती नहीं, मैं बहुत हंसमुख इंसान हूँ। तो अभी भी जो प्ले चल रहा है उसमें एक दुखी लड़की हूँ और वही मसले मसाइल हैं और वही दुखियारापन है, लेकिन वो क्या क्योंकि औरतों को जिंदगी की अपनी ये स्टोरी होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्ले जा रहा है। मोहसिन तलत उसके डायरेक्टर हैं और कराची का प्लेयर, हाँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान है और पूरी टीम ही बहुत अच्छी है और वो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और फिल्म की जो बात है वो लोग मुझे पहचानते नहीं है, मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी बात है। मरीना खान के साथ मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी तो मैं जब गई सेट पे तो सबने मुझे मुबारकबाद दी इसी तरह, मैंने कहा कहने लगे मुबारक हो मुबारक हो, तो कहने लगी तुम्हें क्यों ये फिल्म की मुबारकबाद दे रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कि मैंने काम किया है। कहने लगी मैंने तो देखी है फिल्म, तुम कहाँ थी? अब मैं इतनी एम्बेरस हो गई, मैंने कहा मेरा इतना मेन कैरेक्टर है उसमें और ये कह रही है तुम कहाँ? मैंने कहा जो गाँव की लड़की थी ना वो मैं थी। आई यू सीरियस, आई यू किडिंग मी? मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक बात कर रही हूँ, वो मैं ही थी। नहीं यार ना तुम्हारी शक्ल है तो ना तुम्हारा एक्सेंट है, ना तुम वैसे बोलती हो, ना तुम वैसे दिखती हो, बिकॉज यू वर एक्टिंग। तो मैंने कहा अब मुझे नहीं पता, खुश होने की बात है ना कि आप पहचाने ही नहीं जा रहे, यानी कि वो जो देखो टीवी पे जब आप आते हो तो आप एक सेकंड में पहचाने जाते हो, अनलेस आप कोई बड़ा डिफरेंट सा कैरेक्टर कर रहे हो। माशाल्लाह आपने फीचर फिल्म में पहली अपनी फिल्म में इतना बड़ा मेजर रोल आपको मिला, उसके अलावा आपने किया एंड पीपल कांट रिकॉग्नाइज यू, बहुत बड़ी बात है। और ये एक नहीं कोई चार पांच लोगों ने जब मुझे कहा ना कि आप कहाँ थी, अच्छा वो आप थी, आप तो नहीं पहचानी जा रही थी, तो मैं थोड़ा खुश हुई कि अच्छा मैंने उसमें शायद कुछ बेहतर काम किया। याद नहीं हमारी अवस्थी ने जब किया था रामचंद्र पाकिस्तानी में रोल तो बहुत से लोग पहचान ही नहीं पाए थे, और क्या वो अनबिलीवेबल कैरेक्टर था, और आपने भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से अपना किरदार अदा किया। थैंक यू। और मैं कहती हूँ पूरी टीम का इसमें था, और क्योंकि पहली फिल्म होती है ना तो आप बहुत प्यार से करते हैं, बहुत शौक से करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी। माशाल्लाह उसने दरवाजे खोल दिए सारी फिल्म्स के। तो और अब फिल्मों की तरफ और कुछ तवज्जो दे रही है, तुम्हारे वैसे तो ऑलरेडी इतने साइंड अप होते हैं सीरियल साल साल पहले से माशाल्लाह, तो क्या फिल्म में और कुछ कंसिडर कर रही हो? मुझे एक दो अच्छी फिल्म की ऑफर आई है और वो अभी प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह वो करूंगी। मगर जब करूंगी तो अनाउंस करोगी यहाँ? अच्छा, जरूरी की मैं जरूर करूंगी और उसके बाद जब कर रही होगी तो उसके बाद आएगी। जैसे इसकी शूटिंग शुरू होगी मैं बताऊंगी कि मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं बातों की हद तक लेकिन वो शुरू नहीं हो पाती, फिर आप अजीब हो जाते हैं कि अच्छा ये क्या हो गया। हमारा ये भी हुआ था कि जब फिल्म्स बन रही थी ना और ये जब बहुत ज्यादा हिट हो गई मैं शाहिद अफरीदी या बार, तो सब लोग शुरू हो गए, अब सब लोग तकरीबन बैठ गए हैं। वो जो एक आया था ना कि हर बंदा कहता है मैं फिल्म बनाऊंगा मैं फिल्म बनाऊंगा, अब वो कुछ कम हो गया है। तो ये एक पता नहीं कुछ आता है जुनून सा लोगों को और फिर उससे हट जाते हैं। मैं कहती हूँ होना चाहिए कि आप करें,
इस चीज पे कह रहे हैं अब तो दरवाजे खुले, अब तो लोगों ने देखने शुरू की हैं पाकिस्तानी फिल्म्स, और अभी 20th को दुबई में जो है रिलीज हुई है तो उसका भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, और वहां से भी मुझे कॉल्स आ रही थी कि हमने आपकी फिल्म देखी है और हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप उसमें थी और इतना बड़ा रोल था। तो यानी कि लोग पहचान रहे हैं बट इन द सेंस की क्रेडिट्स पर। हाँ, क्योंकि सबका ना उसमें बहुत, जैसे मानो बहुत ग्लैमरस रोल में थी, मतीरा का आइटम सॉन्ग था, फिर एनी जाफरी भी ग्लैमरस थी, तो मेरा जो था ना बहुत ड्रामेटिक था, सारा ड्रामा इस कैरेक्टर के पास था, तो लोगों को वो पोर्शन ज्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसमें एक स्टोरी थी, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि फिल्म के लिए मैंने जो है वो कुछ और ही कर दिया, तो एक इमेज को भी बरकरार रखा। और इफ यू गेट ऑफर्ड अ फिल्म जिसके अंदर आपका कैरेक्टर ओवर ग्लैमरस हो और उसमें आइटम नंबर भी हो, वुड यू डू इट? डिसेंट आइटम नंबर, मैं कोई फास्ट आइटम नंबर की नहीं, मैं करूंगी, लेकिन ऐसा करूंगी कि लोग मुझे ये ना करें ये क्या बकवास किया तुमने, ये ना कहें लोग कहें यार वाओ ये तो बहुत चेंज था, ये तो बहुत अच्छा था। तो मैं इतनी ज्यादा नहीं हूँ कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन करूंगी जिसमें मेरा इमेज भी वैसा ही रहे। अच्छा बराना, ब्रेक लेनी है, लेकिन यू नो दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर सिंगिंग एज वेल, एंड आई डोंट थिंक यू सिंग इनफ, ये एक गिला है मेरा। तो वापस आएंगे आपके गाने से, और उसके बाद सुनने में आया मुझे, चिड़िया ने कान में बताया कि आपने एक एम्बेसी में बड़ी मजे की एग्जीबिशन भी की तो वो आपको पता है, आपकी हर खबर पे मैं नजर रखती हूँ, मैं भी एक चैनल बन गई हूँ आपके लिए। भाई दोस्तों के ऊपर नजर रखनी जरूरी होती है क्योंकि उनको दुआएं भी देनी होती है, और जब वो कोई नया काम शुरू करे तो थोड़े उनके लिए सदके भी देने होते, तो अल्लाह ताला मेरी दोस्त सलामत रहे और इसकी इसकी उसको नजर ना लगे, क्योंकि इस बच्चे को नजर भी लग जाती है। लव यू, लव यू। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गाने से वापस आएंगे, एंड ऑफकोर्स फिर इनसे ये जानेंगे कि ये कौन सा नया बिजनेस वेंचर है, कुछ नहीं छोड़ती है। चलते हैं ब्रेक के बाद। तेरे सपने सजाऊं मैं।
जब से मिला मुझे प्यार तेरा, मेरे दिल की सज गई बस्तियां, मेरी आंखों में मेरी राहों में मेरी बाहों में तू सनम से वक्त आ गया किचन में देखने का। बहुत ही अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल सॉन्ग हमने सुना फराना से, लेकिन अभी फराना से दो सेकंड में बात होगी। सिचुएशन रेडी है आपके सामने, बर्गर सब रेडी, बर्गर का भरमार भर भर का भरमार और वहाँ पे चिकन का भी एक नन्नी सी ढेरी है मसूम। चले थैंक यू सो मच मुनीरा, आपसे कुछ आगे जाके बात होगी प्रोग्राम के बाद। थैंक यू सो मच। अच्छा फराना, सबसे ब्यूटीफुल सॉन्ग थोड़ा सा इस गाने के बारे में तो बताओ जो हमने ब्रेक से पहले सुना। गाने के बारे में ये था कि ऐसे ही मुझे एक ड्रीम सॉन्ग चाहिए था कि थोड़ा सा हट के ना शोर शराबे से। एक तो मैंने हले गुले वाला कर लिया, फिर मैंने नदीम अब्बास ने बनाया, तो मैंने कहा मुझे ड्रीम सॉन्ग चाहिए। कहता मुझे क्या पता आपका ड्रीम क्या है। मैंने कहा ड्रीम सॉन्ग लाइक आप कहीं खो जाए ना, एक ऐसी दुनिया इमेजिनेशन हो जहाँ पे जो आपको लगे ना, क्योंकि आजकल के दौर में सब चीजें कहाँ होती हैं। तो फिर एक एक चीज पे बैठ के उसको बताया कि इस तरह से होना चाहिए और ये होना चाहिए। फिर वो लिरिक्स भी उसी वक्त लिखे जा रहे थे, तो वो उन्होंने कहा अच्छा आपकी आंखों पे कुछ लिखे। मैंने कहा नहीं, इतनी मासूम आंखें नहीं है मेरी, जो काफी लिख दी है आपकी आंखें। हर ड्रामे में अगर मासूम लिया जाता है, मासूम एंड मज़लूम, मासूम एंड मज़लूम। अच्छा फरहाना डिजाइनर भी बन गई हो? साढ़े वास्ते भी कुछ छाड़ दे फराना, बहुत हो गई है। अच्छी बड़े लोग कहते हैं ना, जब मैं किसी को कुछ शुरू करती हूँ, सब कहते हैं क्या मतलब है हमारी रोजी पर लात मारने आ गई, हमें भी तो कुछ करने दो। तो ये है कि मुझे हमेशा से अच्छे कपड़े पहनने का, और मुझे ये होता था कि सब भी अच्छे कपड़े पहने ना, तो अक्सर लोग मुझे मेल करते थे कि जी आप कभी इस तरफ क्यों नहीं आती हैं, आपके कपड़े कौन सा मदाता है, कहाँ से लेती हैं। मैं कुछ तो मैं बने बनाए उठाती हूँ, कुछ मैं डिजाइनिंग कराती हूँ, तो आप ये क्यों नहीं करती। फिर मुझे बाहर के जितने भी यूके में काफी आती जाती हूँ, तो वहां के लोगों को बड़ा था कि आप जो ड्रामे में कपड़े पहनती हैं कभी उनकी सेल ही लगा दें यहाँ पे। मैं कह नहीं, पहने हुए कपड़ों की तो मैं सेल नहीं लगा सकती हूँ। हाँ ये है कि मैं एक एग्जीबिशन कर देती हूँ, तो फिर वो मैंने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में 100 ड्रेसेस की एग्जीबिशन की, और माशाल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सोल्ड आउट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और फरहाना मकसूद कलेक्शन के नाम से, तो अभी तो बहुत छोटे लेवल पे है क्योंकि टाइम भी नहीं होता, एक्टिंग भी करनी होती है, तो अभी सिर्फ ऑर्डर पे सारी चीजें चल रही हैं। दोस्तों को मॉर्निंग शोज पे मिलेंगे कपड़े इंशाल्लाह, आप जल्दी मेरे कपड़े पहन रही हैं इस शो में। और हाँ ये हमने प्लानिंग कर ली है, वो जब हम पहनेंगे तो आप देखेंगे उनको। अच्छा फरहाना, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, जाते जाते फैंस के लिए मैसेज बहुत जरूरी है, क्योंकि माशाल्लाह कुछ सिंगिंग के फैन है, कुछ एक्टिंग के हैं, कुछ जनरली फरहाना के फैंस हैं, तो अगर मैसेज ना लिया तो लोग नाराज होंगे, तो क्या पैगाम दें? मैसेज तो ये है, सबसे पहले तो दोस्तों के लिए है कि दोस्तों को समझना शुरू कर दें। और दोस्ती ये नहीं होती है कि उसमें बहुत से डाउट्स हों और आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएं या छोटी छोटी बातों पर लड़ें, बल्कि एक दूसरे को
बर्दाश्त करना सीखें। और एक मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे आज ये कहा था कि गाना गाना तो उनका थैंक यू करना कराची में होता है, और दूसरा फैंस के लिए मेरा ये है मैसेज कि आपके लिए हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तो अपने जो एक्टर्स होते हैं उनको इतना फॉर ग्रांटेड या उनको इतना वो ना समझ लिया करें कि वो हर वक्त जो है आपके लिए रेडी बैठे रहते हैं कि आप गिले शिकवे करते हैं जी, आप जवाब नहीं देते, आप सही मिलते नहीं है, आप बात नहीं करते, तो अपनी भी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा होता है तो वो आपके लिए कितना कुछ हो रहा होता है। ये एक्टिंग बिल्कुल भी आसान चीज नहीं है, हर बंदा कहता है कि जी हमें एक्टिंग करनी है, तो एक दिन कभी सेट पे आके एक बंदा बैठे और फिर वो देखे कि किस तरह होता है, तो लोग कानों को हाथ लगा के भागते हैं। तो इज्जत करें और इज्जत करवाएं, मेरा तो ये मैसेज है। थैंक यू सो मच फरहाना। थैंक यू जुगन, आपने मुझे बुलाया, और हमेशा मुझे आपके शो पे आके बहुत मजा आता है क्योंकि आपसे दोस्ती भी बहुत है और हम तो मिलते ही रहते हैं जिम में। लेकिन एक बात बताने की जरूर कहूंगी, है ये सबसे छोटी अपने घर में लेकिन रोल इनका सबसे बड़ा है, क्योंकि माशाल्लाह शी रियली रियली पूरे अपनी फैमिली का भी ख्याल रखती हैं, दोस्तों का भी बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने भी एक दो बार प्रॉब्लम के लिए फोन किया था, ऐसे उन्होंने हल की थी। आई लव दिस वुमन वेरी मच, और आप लोग भी इनको हर लम्हे दुआओं में याद रखा करें, और अल्लाह मियां ने हर कामयाबी दे, आमीन। मुनीरा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें जाना है, लेकिन जाते जाते 10 में है कुछ खास, जैसे कि आप जानते हैं, आइए देखते हैं नेस्ले एवरीडे टी पार्टी।